हाय दोस्तों, फिर से मैं एक नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। तो आप लोग के घर में कोई अचानक मेहमान आए तो इस तरह पोहे से बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता बना सकते हो। बच्चे के टिफिन में भी ये दे सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी है। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलिए हम वीडियो को देख लेते हैं। देखिए, एक कप पोहा लिए हैं। पोहा ये लाल वाला पोहा है, आप चाहो तो सफ़ेद वाला भी पोहा ले सकते हो। तो पोहा को पहले हम एक बाउल में डाल देते हैं और पोहे के ऊपर में हम गर्म पानी डाल के एक से दो मिनट छोड़ देते हैं थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए। देखिए, एक से दो मिनट हो चुका है तो अभी हम पोहा को एक छन्नी में निकाल लेते हैं, जो पूरा पानी निकल जाए उस टाइम तक हम इस छन्नी में रखेंगे इसको इसी तरह। पोहा से पानी अच्छी तरह निकल चुका है तो पोहा हमारा बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट भी हो चुका है। तो पोहा को फिर से हम बाउल में डाल देते हैं। दो उबला आलू को हम इस तरह कद्दूकस करके डाल देते हैं और एक छोटा कटोरी में एक कटोरी कॉर्नफ्लोर डालते हैं। आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो चावल का आटा को भी आप लोग डाल सकते हो। आधा शिमला मिर्चा को बारीक काट के डाल देंगे। थोड़ा सा कद्दूकस करके गाजर को भी डालेंगे। एक कटोरी प्याज को डालेंगे। एक कटोरी हरा धनिया पत्ता को, ये छोटा वाला कटोरी है। एक चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक को डाल दे हैं। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा डालेंगे गरम मसाला। देखिए, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे थोड़ा सा हमारा नाश्ता चटपटा स्वाद आने के लिए। दो हरी मिर्च को बारीक काट के इस तरह डाल देते हैं और स्वाद के हिसाब से नमक डालते हैं। तो अभी हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह हाथों की सहायता से इस तरह मिलाएंगे। देखिए, डो हमारा तैयार हो चुका है। देखिए, पोहा और आलू तो थोड़ा सा चिपचिपा होता है तो इसीलिए मैं थोड़ा सा हाथों में पहले ऑयल लगा रही हूँ और इसके बाद हम नाश्ता का जो हम शेप बनाएंगे, आपको जो पसंद है उसी तरह आप बना सकते हो। तो देखिए, मैं सिलेंडर जैसा शेप दे रही हूँ और थोड़ा सा इस तरह हाथों में दबाकर थोड़ा सा चिपटा इस तरह कर ले रही हूँ। तो आप लोग को जो पसंद है उसी तरह बना सकते हो। तो मेरा एक नाश्ता बनके रेडी हो चुका है। तो सभी नाश्ता को मैं इसी तरह बना लेती हूँ। देखिए, आप लोग को मेरे रेसिपी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। और अब मेरे को बताइए मेरे रेसिपी आप लोग को कैसे लग रहा है कमेंट करके, तो मेरे को अच्छा लगेगा। सभी नाश्ता को देखिए मैं बना लिया हूँ। देखिए, दो चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया हूँ और थोड़ा सा नमक और इसका एक पतला सा प्यूरी बना लेते हैं पानी डाल के। तो देखिए, नाश्ता को हम थोड़ा सा कुरकुरापन लाने के लिए चार ब्रेड को लिए हैं, इसका एक पाउडर बना लेते हैं। देखिए, ब्रेड को अब हम पीस लेते हैं। ब्रेड का पाउडर रेडी हो चुका है दोस्तों, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए, जो नाश्ता हम बना कर रखे थे उससे एक उठाएंगे और जो कॉर्नफ्लोर का प्यूरी लिए हैं उसमें डालते हैं इस तरह, और ब्रेड का चूरा में इस तरह हम डालेंगे। तो इस तरह करने से हमारा नाश्ता बहुत ही क्रिस्पी बनता है दोस्तों। तो सभी नाश्ता को हम पहले इसी तरह कर लेते हैं।
देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, तो एक एक करके हम डालते जाएंगे जितना कढ़ाई में आएगा। देखिए नीचे तरफ थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो इसको सावधानी से हम पलटा लेते हैं। तो नाश्ता को हम इसी तरह उलट पलट करके अच्छी तरह गोल्डन कलर होने तक फ्राई कर लेते हैं। देखिए नाश्ता हमारा बहुत अच्छी तरह कलर आ चुका है, तब इसको हम निकाल लेते हैं। तो सभी को इसी तरह हम फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा सभी नाश्ता फ्राई हो चुका है, और देखने में तो बहुत ही सुंदर है, खाने में भी उतना ही टेस्टी है, और पोहा तो हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो इसी तरह आप लोग नाश्ता बनाइए और खाइए। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फिर से मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।